हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज वीडियो इज ऑन दिस आई मेकअप लुक। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है ब्राइडल आई मेकअप लुक और साथ में यहाँ पे यूज किया है ग्लिटर, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है इस लुक में। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। सो अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो देख के आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप भी क्रिएट कर सकते हो इस लुक को। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। सो यहाँ पे मैं आई शेडो पैलेट के लिए यूज किया है बी परफेक्ट कार्निवल 3 आई शेडो पैलेट। सो बहुत ही कलरफुल एक पैलेट है। सो उसमें से मैं सबसे पहले ब्राउन जो शेडो है उसको अप्लाई करूँ क्रीज पे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ अपने क्रीज पे, कहाँ पे मुझे डबल कट क्रीज ड्रॉ करना है, ताकि मैं पूरे आईलिड पे कलर ना प्लेस करके जहाँ पे पहले अप्लाई करना है वहीं पे एग्जैक्टली अप्लाई करूँ। सो सबसे पहले क्रीज को मार्क कर लूँगी एंड देन क्रीज के ऊपर साइड पे मैं सेम ब्राउन शेड को अप्लाई करूँगी। सो सबसे पहले मैं पेंसिल ब्रश की तरफ से इसको अप्लाई की थी, मार्क की थी। एंड इसके बाद फर्दर मैं इसको ब्लेंड करने के लिए एक फ्लफी शेडिंग काइंड ऑफ ब्रश को लेके अप्लाई करूँ। सो मैं कलर को अपर साइड में ब्लेंड करूंगी, ना कि क्रीज से नीचे। सो एज यू कैन सी मैं जैसा कर रही हूँ वैसा ही आपको फॉलो करना है। एंड उसके बाद अच्छे से सॉफ्ट कर लूंगी एजेस को भी। इसके बाद मैं ऑरेंज पेंसिल ब्रश में ऑरेंज शेड को लेके उसको अप्लाई करूंगी इसके ऊपर। जस्ट थोड़ा सा हिंट ऑफ ऑरेंज चाहिए मुझे यहाँ पे। सो दिस विल बी आवर ट्रांजिशन शेड और क्रीज शेड आप बोल सकते हो। दोनों शेडो को मैं अच्छे से ब्लेंड करूंगी एक दूसरे के साथ, ताकि कोई हार्शनेस ना रहे। एंड बैक एंड फोर्थ मैं थोड़ा सा ऑरेंज कलर को और प्लेस करूंगी, ताकि इंटेंस कलर मिले मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज करूँ ब्लैक शेडो को और इसको भी मैं एकदम पतला सा पेंसिल ब्रश के हेल्प से क्रीज पे अप्लाई करूंगी। तो इसको बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है, बहुत प्रिसाइजली अप्लाई करना है जस्ट क्रीज पे, जहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ करना है जस्ट उसके ऊपर। इसके बाद मैं सेम ब्रश में थोड़ा सा ब्राउन शेडो को भी लेके ब्लैक शेडो के एजेस को ब्लेंड कर लूंगी। दोनों शेडो को एक दूसरे के साथ थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए प्लेस करूंगी। और बाकी शेड भी थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर लूंगी, ताकि ये ब्लेंडेड लगे। इसके बाद मैं करूंगी कट क्रीज ड्रॉ, जिसके लिए मैं यूज करूँ मिलानी कंसीलर और प्रो आर्ट का PF01 कंसीलर ब्रश यूज किया है। सो इसके हेल्प से मैं क्रीज को सबसे पहले मार्क कर लूंगी एंड देन लिड स्पेस को क्लीन कर लूंगी। सो कंसीलर को मैं पूरे लिड स्पेस पे अप्लाई कर लूंगी, ताकि अच्छा सा बेस मिले मुझे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिड स्पेस को सेट कर लूंगी विद सम लूज पाउडर, दिस इज फ्रॉम एल्फ। तो ये उनका HD लूज पाउडर है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ लॉरियल इंटेंसर जेल आईलाइनर। तो सबसे पहले मैं इसको एक एंगल ब्रश में लेके आउटर व्यू पे एज ए विंग क्रिएट करूंगी। सो आप देख सकते हो मैं जस्ट फॉलो कर रही हूँ क्रीज के साथ, डबल कट क्रीज काइंड ऑफ क्रिएट करते हुए। सो जस्ट वैसे ही आपको क्रिएट करना है। सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे, थोड़ा टाइम लीजिए इसमें, बिकॉज थोड़ा सा प्रिसाइजली काम करना पड़ेगा। ऑल दो अगर कोई गलती हो जाता है तो आप कंसीलर से फिर से क्लीन कर सकते हो। सो जेल आईलाइनर को मैं आउटर वी पे ही अप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले ब्लैक लाइनर को ही अप्लाई करूंगी एंड इसके बाद इसको थोड़ा इंटेंस ब्लैक लुक देने के लिए ब्लैक आई शेडो अप्लाई करूंगी। दूसरे और एक एंगल ब्रश पे मैंने ब्लैक आई शेडो को ले लिया है और उसको जस्ट जेल आईलाइनर के ऊपर से अप्लाई कर लूंगी। सो इससे क्या होगा, एक तो जेल आईलाइनर सेट हो जाएगा और इंटेंस ब्लैक शेड भी मिलेगा।
नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेम ब्राउन शेड को अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक शेडो के बाद काइंड ऑफ सेंटर लीड पे, और इसको मैं एक फ्लैट काइंड ऑफ शेडिंग ब्रश के हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से जो ब्लैक शेडो के एजेस है उसको ब्लेंड करते हुए अप्लाई करूँ। सो आपको ब्लैक एंड ब्राउन शेडो को यहाँ पे बैक एंड फोर्थ अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ब्लेंडेड लुक मिले। सो थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्ट को अप्लाई करते हुए आप ब्लेंड कीजिए। इसके बाद मैं फ्लड ब्रश पे एक सिल्वर शेड को ले लूंगी एंड उसको अप्लाई करूँ 1/3 इनर वी के साइड पे। सो सबसे पहले इनर कॉर्नर से स्टार्ट करके आपको ब्लेंड करते हुए सेंटर की तरफ आना है एंड इसके बाद फिर से मैं ब्राउन शेडो के साथ सिल्वर शेडो को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी ग्लिटर। सो द ग्लिटर पैलेट इज फ्रॉम किंगडम ऑफ लैशेस। इसमें से जो लाइट गोल्डन शेड है उसको अप्लाई करूँ फ्रंट सेक्शन पे, स्पेशली ब्राउन एंड सिल्वर जहाँ पे मिट हो रहा है वहीं पे अप्लाई करना है। सो थोड़ा थोड़ा करके आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे ऊपर एक फिनिश नहीं देना है, ना ही आपको कोई ग्लिटर ग्लू की जरूरत है। सो इसके बाद मैं ग्लिटर लाइनर यूज कर रही हूँ, दिस वन इज फ्रॉम मार्स। सो इसको अप्लाई करूंगी मैं डबल कट क्रीज के बीच में एंड ब्लैक जेल आईलाइनर को मैं लेफ्ट लाइन के क्लोज क्लोज एज ए लाइनर अप्लाई करूंगी और इसको कनेक्ट कर लूंगी आउटर वी के साथ। सेम जेल आईलाइनर को मैं लोअर वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ एज माई काजल। पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट किया है सेम जेल आईलाइनर के साथ एंड नाउ मैं ब्लैक शेडो के साथ लोअर लेफ्ट लाइन को थोड़ा ब्लेंड कर लूंगी, थोड़ा सा स्मोक आउट कर लूंगी। फर्दर इसको ब्लेंड करने के लिए मैं लोअर वाटर लाइन पे ब्राउन शेडो को भी अप्लाई करूंगी थोड़ा सा स्मोकी सॉफ्ट लुक देने के लिए। यहाँ पे मैं मस्कारा के लिए यूज करूँ बेनिफिट रोलर लैश मस्कारा। तो इसको मैं अपर एंड लोअर लैशेस पे कोट कर लूंगी, ये अच्छा एक मस्कारा है, लेंथनिंग के लिए काफी अच्छा इफेक्ट देता है। नेक्स्ट यहाँ पे इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी, जिसके लिए मैं यूज करूँ वेट एंड वाइल्ड का प्रीशियस पेटल हाईलाइटर। बहुत फेवरेट एक प्रोडक्ट है मेरा, बहुत ही इनएक्सपेंसिव एंड बहुत ही अच्छा काम करता है ये हाईलाइटर। सो इसको मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का मेकअप लुक। सो ये लुक ब्राइड्स के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप इस लुक को रिक्रिएट करते हो तो जरूर से मुझे टैग कीजिएगा इंस्टा पे। सो मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।